आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले जो स्टेटमेंट आएगा वो पाइथागोरस प्रमेय आएगा, क्योंकि इसके बिना आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ये क्या उनका मैथमेटिकल्स स्टेटमेंट है। कर्ण पर बना वर्ग वर्ग मतलब जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर, वही क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, मतलब कर्ण पे 2 घात, ठीक है। तो कर्ण पर बना वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के, मतलब अब जो शेष दो भुजा है वो क्या है, आधार है और क्या है, लंब है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो बोल सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगला जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब इसमें जानना है आपको कि क्या चीज़ें किस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या होगा, लंब ये है, कर्ण ये और क्या आधार ये है, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब इसका रेशियो और इसका, इन दोनों का। फिर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यदि आपको ये 3 याद हो जाएंगे, साइन कॉस टेन, तो बाकी के भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट। जैसे साइन का होता है लंब बटा कर्ण, वैसे क्या होगा, कॉसेक उसका उल्टा है, क्या होगा, कर्ण बटा लंब। वैसे ही क्या है, कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस क्या है, सेक का उल्टा है, क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। वैसे ही क्या है, टेन का उल्टा कॉट, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है सब आपस में, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये 3 फार्मूले हैं, इनसे आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है वो सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ें कैसे आएँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ करके कि कैसे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो हम बात करते हैं पहले वाली की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि बोर्ड में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि कैसे क्या चीज़ें आती हैं। आपको मालूम है क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी है, तो लंब बटा कर्ण मतलब बी सी अपान ए सी का स्क्वायर। अगला हमारा है कॉस थीटा, अब क्या होता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है ए बी, आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी है, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए सी का ए सी स्क्वायर, ए बी का ए बी स्क्वायर और ए सी का ए सी स्क्वायर। तो आप पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़ में कि यदि हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हर बराबर है ए सी का स्क्वायर, तो इस नीचे लिख लेंगे, अभी हमारा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और बी सी क्या है, बी सी हमारा लंब है और ए बी क्या हमारा आधार है, और पाइथागोरस के प्रमेय के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर दिख रहा है ना, आधार ए बी, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी मतलब लंब का स्क्वायर, तो जो आधार का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर वो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर से कट जाएगा एक बार में, यही हमारे क्या मिल गया, हमको राइट हैंड साइड मिल गया, मतलब ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसी से हम कुछ चीज़ें और निकालते हैं, फार्मूला डेराइव करते हैं, जैसे इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी और कुछ लिखिए, तो 1 है तो 1, अब इस पार्ट को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसी से क्या बन गया, दूसरा बन गया। यदि आपको एक और निकालना, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हैं 1, और इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि एक फार्मूले से 2 और बना, ठीक है। अब हम अगले जो फार्मूला है हमारा क्या था, दूसरा जो हमारा था आइडेंटिटीज वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोचते होंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई,
तो जो पहला था वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हमारा क्या था, पहला आइडेंटिटी था। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यदि यहाँ पे वन आ रहा है तो क्या हो रहा है, यदि हम साइन स्क्वायर से भाग करते दोनों पक्षों में तो क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर से भाग किया जाए, साइन स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर अगर भाग दिया जाए इन दोनों पक्षों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या होगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग कर दिया जाए और इस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर से भाग कर दिया जाए और ये जो इक्वल वन है इसमें साइन स्क्वायर से भाग कर दें तो क्या चीज़ें निकल के आने वाली, पहले वो देख लेते हैं। एंड साइन कट जाएगा एक बार में वन, ये क्या हो जाएगा कॉस अपान साइन कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो इसके दो फार्मूले होते हैं, पहला तो फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और दूसरा फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस अपान साइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉस अपान साइन मतलब क्या है, वो कॉट है, तो इसको क्या हम कॉट भी लिख सकते हैं, जैसा कि बताया था कि वन अपान साइन ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये तो एक अलग निकला फार्मूला जो शायद तीसरा आइडेंटिटी था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड वाले के लिए, ये कैसे आया, इसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा किससे, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो यदि वही पहला आइडेंटिटी होता और यदि हम इसमें भाग करते किससे, कॉस स्क्वायर से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा में क्या करते, कॉस स्क्वायर से भाग देते और फिर उस वाले कॉस स्क्वायर में किससे भाग देते, कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसमें क्या करते भाग देते, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा, एक बार मिडिल से देख पा रहे हैं साइन अपॉन कॉस टेन, ये कहाँ से आई चीज़ें, यहाँ से आई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, कॉस से कॉस कट जाएगा और ये क्या होगा वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और यही क्या था हमारा सेकेंड आइडेंटिटी था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज बन के रेडी हो गई। अब देखिए इसी चीज़ से क्या निकल के आने वाली हैं चीज़ें, इसी चीज़ से हम बोल सकते हैं यदि टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इस सेकेंड वाले से क्या बन गया, ये बन गया। अच्छा थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि कॉट को भी इधर लेके आना चाहें तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो देख पा रहे हैं कि हर फार्मूले से आप कम से कम एक या दो क्या फार्मूला बना सकते हैं, तो दो फार्मूला बनकर रेडी हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि हमारा पहला आइडेंटिटीज क्या था, पहला हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा क्या निकला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हमारा क्या मिला वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन फार्मूला बनकर रेडी हुए। अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं व्युत्क्रम संबंध के बारे में कि कौन कौन से आपस में व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम संबंध क्या है इनका, व्युत्क्रम संबंध जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो जैसा होता क्या है कि हम लिख लेते हैं पहला साइन थीटा का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होगा, ये होता है हमारा वन अपान कोसेक थीटा, ऐसा इनको क्यों लिखा जाता है ताकि यदि हम देखें इधर तो वन में क्या हुआ है कोसेक थीटा का भाग किया गया है, यदि कोसेक थीटा इधर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके एक बना लेगा। तो कहने मतलब ये है
कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, एक होता है, वैसे ही क्या है कोसेक का भी उल्टा क्या हो जाएगा, वन अपान साइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, इसको आपको यूज करने को मिलेगा आगे। साइन का उल्टा वन अपान कोसेक, कोसेक का उल्टा वन अपान साइन, ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल है कितना होता है, एक होता है। अपन बात कर लेते हैं कॉस की, कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, तो वन अपान सेक, सेक थीटा, वैसे ही सेक का क्या हो जाएगा, वन अपान कॉस थीटा। साइन कोसेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपान कॉट थीटा, और कॉट का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपान टेन थीटा। तो ये आपस में क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब जैसे टेन और कॉट का कितना का गुणा एक हो जाएगा, वैसे ही क्या है सेक और कॉस का गुणा एक हो जाएगा। तो ये तो संबंध था फिलहाल रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का। हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की। हम बात करते हैं कोण थीटा के दोगुने से संबंधित सूत्र, संबंधित सूत्र। पहला हम बात कर लेते हैं फार्मूला साइन टू थीटा का, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है टू थीटा है। तो क्या होता है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका पहला फार्मूला है। इसका एक और भी होता है, वो क्या होता है टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन टू थीटा के दो फार्मूले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कॉस टू थीटा के बारे में, कॉस टू थीटा। तो ये होता है पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा इसी का होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और चौथा एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे हैं कॉस थीटा कितने फार्मूले होते हैं, चार फार्मूले होते हैं, ये आपको जानना कंपलसरी है। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरा टेन टू थीटा, यही तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको जानना है। ये हो जाएगा हमारा टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और भी अगर चीज़ें, तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं योग वाले फार्मूले की। अब हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, कैसे आप वैल्यू को याद करें, क्योंकि वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये टेबल याद नहीं होगा फिर आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ें वैल्यू करते हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर आपको आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए कैसे टेबल बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, यदि आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन जीरो का मान जीरो, आपको याद, आपको बस याद करना है सिर्फ साइन का, बाकी तो आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। बस आप देखिए इसको ध्यान से, साइन जीरो का मान जीरो, तीस का बाबू होता है एक बटा दो, 45 का वन अपान रूट टू, 60 का होता है रूट थ्री बाई टू, और साइन 90 का एक। आपको जो याद करना है वो क्या, सिर्फ साइन का, साइन जीरो का जीरो, तीसंस का एक बटा दो, 45 का वन बाई रूट टू, 60 का रूट थ्री बाई टू, 60 का रूट थ्री बाई टू, और साइन 90 का वन। बस आपको पहला याद, और हम देखते हैं किसका, कॉस का। आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको कि यहाँ से उठा के उल्टा लिखना स्टार्ट, जैसे यहाँ का एक यहाँ लिख दिए, यहाँ का रूट थ्री बाई टू यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ लिख दिए, और इसका यहाँ लिख दिया वन बाई टू, और इसको उठा के यहाँ। तो आपने देखा क्या किया हमने, यहाँ से क्या किया हमने, लिखना स्टार्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं कि का जीरो का मान एक, तीस का रूट थ्री बाई टू, 45 का वन बाई रूट टू। तो साइन और कास का जो दोनों का वैल्यू सेम होता है, किसमें होता है 45 में, 60 का वन बाई टू और साइन 90 का जीरो। अब आपको यदि ये दोनों याद हो गए तो बाकी अब कुछ याद नहीं करना है। क्यों, मैं बता रहा हूँ कि हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, क्या वो फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। अब देखिए हम कैसे निकाल पा रहे हैं, और आप भी निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप सीख सकते हैं। जैसे हमने आपको लिखाया था फार्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस फार्मूले का जिक्र अभी हम जस्ट दो मिनट पहले किए होंगे, दो तीन मिनट पहले, ठीक है। तो जैसे आपको निकालना है किसका, टेन जीरो का मान, तो जहाँ थीटा है वहाँ जीरो पुट करते रहिए, थीटा है वहाँ जीरो पुट कीजिए,
तो साइन जीरो डिग्री अपान कास जीरो डिग्री। अब हमने जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि सर हमको क्या साइन जीरो का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, मतलब जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या जीरो पुट होगा। तो आप टेबल देख सकते हैं कितना होता है साइन जीरो का मान जीरो और कितना होता है कास जीरो का मान एक। तो यदि किसी भी संख्या में, जैसे ये लिखा है ना जीरो बट्टा एक, इसका मतलब क्या है कि आपको जीरो में एक से भाग करना है। और यदि किसी भी संख्या से यदि जीरो में भाग करते हैं ना तो आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब हम बात कर रहे थे किसकी, टेंथ अंश की। तो यदि आप निकालना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं टेंथ अंश, हम बता रहे हैं आपको, यदि हमको तो पूरा टेबल याद ही है, आप भी निकाल सकते हैं सीख जाएंगे तब। टेंथ अंश क्या हो जाएगा, साइन तीस अंश अपान कास तीस अंश। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ थीटा है वहाँ तीस लिखा, जहाँ थीटा है वहाँ तीस, वहाँ तीस। तो साइन तीस का मान कितना होता है, एक बट्टा दो। बात करते हैं कास तीस की, तो वो कितना होती है, रूट थ्री अपान टू। अच्छा आप क्लास सिक्स में आप पढ़े होंगे कि ये जो वन बाई टू है ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाग, और यदि भाग को गुणा किया जाए, मतलब रूल होता है कि डिवीजन इज रेसिप्रोकल टू मल्टीप्लाई, भाग क्या होता है गुणा का उल्टा होता है। तो यदि ये भाग गुणा में बदलेगा तो ये भी चेंज होगा, किसमें होगा टू बाई रूट थ्री में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं टू से टू क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर वन और नीचे। ये क्या है टेंथ इसका मान है, वैसे नहीं क्या टेन फोर्टी फाइव का भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए इसका टेन फोर्टी फाइव डिग्री का। तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। तो थीटा यहाँ पर हमने कितना लिया है पैंतालीस। तो अब जानते हैं साइन फोर्टी फाइव का मान कितना होता है, वन बाई रूट टू, और कास फोर्टी फाइव कितना होता है, वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू, फिर वही काम, भाग क्या होता है गुणा का उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, रूट टू अपान वन, इसलिए कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको वन मिलेगा। ठीक है, वैसे आप जब फाइंड करेंगे किसका टेन साठ का, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ यहाँ पे टेन साठ हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साठ डिग्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना है साइन साठ का मान, रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू अपान कितना है कॉस साठ, वन बाई टू, वन बाई टू, तो रूट थ्री अपान टू, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा टू बाई वन, तो से टू कट जाएगा, तो क्या मिलेगा रूट थ्री। तो ये अभी तक हमने निकाला जीरो का, तीस का, फोर्टी फाइव का, सिक्सटी का। अब देखते हैं टेन नाइनटी डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेन नाइनटी डिग्री का वैल्यू, तो आप जानते हैं क्या होता है, टेन का बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना होता है साइन नाइनटी का वैल्यू, देखिए एक, कितना होता है कॉस नाइनटी का वैल्यू जीरो। तो यदि आप जीरो से किस संख्या में भाग कर रहे हैं तो क्या होता है इनफाइनाइट, और इसी को हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित। अब यदि आपको टेन का याद हो गया है तो काट का तो आपको ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, फिर वही काम उल्टा लिखना स्टार्ट, इनफाइनाइट रूट थ्री वन वन बाई रूट थ्री और फिर यहाँ पे जीरो। तो अभी तक ने हमने साइन कॉस टेन कॉट का निकाला, आपने देखा कि हमने क्या कि बस साइन का याद किया, कास का हमने उल्टा लिखना स्टार्ट किया, और ये जो टेन का हमने निकाला क्या बाई फार्मूला निकाल दिया, टेन थीटा बराबर क्या साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये अभी तक चार निकाल चुके हैं, अब देखिए सेक की बात है, सेक कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है, बताए थे कि इन दोनों में क्या होता है आपस में रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम संबंध होता है। तो जो सेक थीटा है वो क्या होता है वन अपान कॉस थीटा। यदि हमको सेक जीरो का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सेक जीरो डिग्री अपान वन अपान कॉस जीरो डिग्री, और कितना होता है कॉस जीरो डिग्री का मान एक, एक भागा एक मतलब एक। वैसे किसका सेक तीस का निकालना हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक तीस डिग्री, तो वन अपान कॉस तीस डिग्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन है तो वन, कितना होगा कॉस तीस का मान रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। और आप जानते हैं ये वाला क्या है डिवीजन का साइन है, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, टू वन जै टू, टू अपान रूट थ्री। कहने का मतलब ये है ये आपस में क्या हो रहे हैं सब उल्टे हो रहे हैं सर, ये भी उल्टा हो जाएगा,
रूट टू, ये कितना आ जाएगा टू, और यहाँ यहाँ गलती होता है, गलती क्यों होता है, हमको निकालना किसका है, सेक नब्बे अंश का, तुम क्या जानते हैं सेक इक्वल टू वन अपन कॉस, कॉस नब्बे, और कितना होता है कॉस नब्बे का मान जीरो, और बताए हैं यदि जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा वो परिभाषित। तो अभी तक हमने निकाला साइन कॉस टेन कॉट सेक, हम बात कर लेते हैं कोसेक की, सेम प्रोसीजर वही है, कोसेक क्या है साइन का उल्टा है, कोसेक थीटा क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि हमको निकालना हो किसका, यदि हमको निकालना कोसेक जीरो का तो क्या लिखेंगे, कोसेक जीरो डिग्री बराबर वन अपॉन साइन जीरो डिग्री, और कितना होता है साइन जीरो का मान जीरो, फिर वही कहानी कि यदि किसी भी संख्या में मतलब एक में यदि जीरो से भाग करें तो क्या मिलेगा हमको, अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है। बाकी का सेम प्रोसीजर, उसका उल्टा टू, इसका रूट टू, इसका टू बाई रूट थ्री, और यहाँ अगर लास्ट में देखा जाए किसका कोसेक 90 का तो क्या होगा, कोसेक 90 का मतलब साइन 90, 90 का मतलब एक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेक और कोसेक में भी हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, मैंने इस पर लिखना उल्टा स्टार्ट किया, तो ये वैल्यू थी आपको याद करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ साइन का वैल्यू याद किया, कॉस का हमने निकाला, और यदि हमको साइन और कॉस निकालना आ गया ना तो टेन को क्या हम भाई फार्मूला निकाले हैं, काट का हमने क्या किसका इसका उल्टा किया, सेक और कॉस क्या किया हमने वही किया, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, और ये कुछ उसके वैल्यू थे, ठीक है। अब आगे की चीज़ों में भी हम और कुछ पढ़ेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।